आज 25 अक्टूबर को स्मरण करेंगे हास्य अभिनेता एवं व्यंग्यकार जसपाल भट्टी जी को उनकी पुण्यतिथि पर। टेलीविजन के सबसे मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी को आम आदमी की आवाज माना जाता था। जसपाल भट्टी को किंग ऑफ कॉमेडी, किंग ऑफ स्टायर के नाम से भी जाना जाता था। वे हंसते हंसाते राजनीति, व्यवस्था और समाज पर कटाक्ष करते थे और उनकी यही अदा दर्शकों को खूब पसंद आती थी। 3 मार्च 1955 को अमृतसर में जन्मे जसपाल भट्टी जी ने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कॉलेज के दिनों में उनकी रुचि कॉमेडी की ओर बढ़ने लगी और तभी उन्होंने नॉनसेंस क्लब बनाया और नुक्कड़ नाटक करने लगे। इस क्लब से सैकड़ों लोग जुड़ गए और लोगों को भट्टी जी के स्ट्रीट शो काफ़ी पसंद आने लगे। जसपाल भट्टी चंडीगढ़ में ट्रिब्यून अखबार में एक कार्टूनिस्ट के रूप में काम करते रहे। कार्टूनिस्ट होने के नाते ही उन्हें आम आदमी से जुड़ी समस्याओं और व्यवस्था पर व्यंग्य करके लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का मौका मिला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। 80 के दशक में वो दूरदर्शन के सीरियल उल्टा पुल्टा से खूब प्रसिद्ध हुए। इस शो में वे सिस्टम पर व्यंग्य करते थे। 90 के दशक के शुरू में जसपाल भट्टी दूरदर्शन के लिए एक और धारावाहिक फ्लॉप शो लेकर आए जो बहुत प्रसिद्ध हुआ। इसी से भट्टी की पहचान एक हास्य अभिनेता के रूप में होने लगी। आम चीजों को, आम बातों को वे बहुत ही खूबसूरत अंदाज से पेश करते थे। देश की समस्याओं पर कॉमेडी का तड़का लगाकर उन्हें पेश करना, यही उनकी खासियत थी। उनके इसी अंदाज से लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते थे। उस वक्त पर ऐसा कहा जाता था कि दूरदर्शन पर आने वाले इस फ्लॉप शो को राजनीतिक दबाव झेलना पड़ा था। बाद में दूरदर्शन के साथ बात न बनती देख 10 एपिसोड के बाद ही इसे ऑफ एयर करना पड़ा। लेकिन इस कार्यक्रम के जरिए जसपाल भट्टी तब तक हर घर में अपनी पहचान बना चुके थे। जसपाल भट्टी ने टीवी के लिए फुल टेंशन, हाय जिंदगी, बाय जिंदगी और थैंक यू जीजा जी जैसे कार्यक्रम दिए। टीवी पर झंडे गाड़ने के बाद जसपाल भट्टी ने फिल्मी दुनिया में भी हाथ आजमाया। उन्होंने फिल्म फना, कुछ मीठा हो जाए, कुछ ना कहो, कोई मेरे दिल से पूछे, हमारा दिल आपके पास है, आ अब लौट चलें, इकबाल, कारतूस आदि फिल्मों में काम किया। 25 अक्टूबर 2012 को जसपाल भट्टी अपनी आने वाली फिल्म पावर कट के प्रचार के लिए पंजाब के मोगा से जलंधर जा रहे थे। रास्ते में एक सड़क दुर्घटना में यह प्रसिद्ध हास्य अभिनेता एवं व्यंग्यकार चिर निद्रा में सो गया। भारत माता की जय।